हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग जेईई मेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। आप आज का अगर लेक्चर देख लोगे आप आईआईटी का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो, मैं इसके अंदर एक आईआईटी का भी क्वेश्चन डालने वाला हूँ, तो वो आपको सॉल्व करना है और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। आप आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो सेशन है। ओके, सो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरे पास, मैं यहाँ पे पहले डिस्प्ले कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या दिया है। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज स्ट्रॉन्गर इन अ कार्बन बिकॉज। ओके, किसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट है हम लोग का कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन होता किसके अंदर है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग अगर हम लोग का होता है कंपाउंड के अंदर, क्या कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होता है तो उसके अंदर और लॉन्गेस्ट रहेगा चेन, तब कैटेनेशन हम लोग का होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का चार ऑप्शन है, तो इसके अंदर से कौन सा वाला हम लोग का आंसर रहेगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी लो। सेकेंड ऑप्शन है, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज लो। थर्ड है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज हाई। और लास्ट है, इट्स एटॉमिक रेडियस इज स्मॉल। तो बताओ ये चारों में से कौन सा रहेगा। आपके पास 10 सेकेंड है, आप फटाफट इसका आंसर बताओ। 10 सेकेंड। ओके, सो आपका 10 सेकेंड कंप्लीट हो गया, तो इसका आंसर फटाफट कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने। मेरे को अगर लगता है ऐसा कर दिया होगा, तो इसका जो आंसर है दैट इज सी वाला, द कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज हाई। मैंने एक्सप्लेन करते टाइम में आपको बताया कि हम लोग का कैटेनेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड में होता है, और अगर कैटेनेशन है तो उसका बॉन्ड का एनर्जी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो देखो थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज हाई, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, सी। चलो सेकेंड वाला क्या दिया है, द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। मेन सोर्स ऑफ, यहां पे देखो डिस्प्ले किया, द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, क्या होगा इसके अंदर से आपका आंसर। देखो मैं ऑप्शन रीड करता हूं, आप बताना। वेजिटेबल किंगडम, सिंथेटिक रिएक्शन, एनिमल किंगडम या फिर पेट्रोलियम। ये जो हम लोग के चार ऑप्शन है इसमें से क्या आएगा। 10 सेकेंड का टाइम है, अगेन फटाफट इसका आंसर दो। 10 सेकेंड, मेरा घड़ी उधर है इसके लिए मैं वहां देख रहा हूं। ओके, 10 सेकेंड ओवर, तो बताओ इसका आंसर क्या है, फटाफट कमेंट कर देना। आई थिंक आप लोगों को इसका आंसर समझ गया रहेगा। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं बच्चों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज, जो हम लोग बनाते हैं लैब में बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक जो हम लोग के मटेरियल्स होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो हम लोग को नेचर से मिलते हैं, बट हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, जैसे इथेनॉल, एसीटोन, ये सब हम लोग के लैब में प्रिपेयर होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है हम लोग का, सिंथेटिक रिएक्शन से बनता है हम लोग का। किससे, सिंथेटिक रिएक्शन से। इसका आंसर क्या आएगा, बी, द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सिंथेटिक रिएक्शन। ओके, चलो थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन डिस्प्ले है, क्या है क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं एक बार ऑप्शन रीड करता हूं, आपको दिख रहा होगा लेकिन मैं फिर भी रीड कर देता हूं आप लोग के लिए। पहला है एसिडिक एसिड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है यूरिया एंड चौथा है हम लोग का इथाइल अल्कोहल। तो पहला ऐसा कंपाउंड बताओ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है। देखो फटाफट, 10 सेकेंड का टाइम है, 10 सेकेंड। ओके, टाइम ओवर, बताओ फटाफट इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, क्या रहेगा इसका आंसर। देखो
मैंने बताया था आपको चार ऑप्शन, एसिडिक एसिड, मीथेन, यूरिया एंड हम लोग का इथाइल अल्कोहल। सो इसके अंदर से एक ही ऐसा कंपाउंड है जो हम लोग का इनऑर्गेनिक में आता है, ओके, वो कौन सा है? यूरिया। ओके, बिकॉज अगर आप लोग बात करो एसिडिक एसिड की तो डेट इज ऑर्गेनिक, देन मीथेन ये भी ऑर्गेनिक, इथाइल अल्कोहल भी ऑर्गेनिक, और यूरिया सिर्फ हम लोग का इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। ओके, सिर्फ यूरिया इसके अंदर से इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। अंडरस्टैंड? नाउ यूरिया का स्ट्रक्चर भी एक बार मैं आपको दे दूंगा, सामने देख लेना, यूरिया का स्ट्रक्चर है बना हुआ, देख लो एक बार यूरिया का स्ट्रक्चर। ओके, सो ये हो गया हम लोग का 3 क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन, और लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा आपका आईआईटी का 2003 का क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लाइब्रेरी फ्रॉम द एलिमेंट, ओके, लेबोरेटरी फ्रॉम द एलिमेंट्स, ऐसा कौन सा ये चारों में कंपाउंड है जो हम लोग का लैब में सिंथेसाइज होता है एलिमेंट से, कौन सा है बताओ? हम लोग के पास चार ऑप्शन है, पहला है यूरिया, दूसरा है मीथेन, तीसरा है इथाइलिन, इथीन मतलब, एंड एसिडिक एसिड। तो इसके अंदर से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सिंथेसाइज होता है लैब में, बताओ फटाफट, आपको इसका आंसर पता रहेगा, लैब में सिंथेसाइज होने वाला बताना है आपको, लैब में। 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड। फोर्थ वाले का आंसर फटाफट, चलो टाइम ओवर, आपने आंसर दे दिया रहेगा, आप आंसर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग भी साथ साथ में कर रहे हो। तो इसका आंसर रहेगा हम लोग का एसिडिक एसिड, जो फोर्थ वाला है डी, इसका आंसर रहेगा। तो हम लोग का एसिडिक एसिड इसका आंसर रहेगा, बिकॉज एसिडिक एसिड हम लोग का प्रिपेयर होता है क्या? लैब में, ओके, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे एसिडिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा, नहीं बनाने की जरूरत है, बट अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ, ये जो है आपका सामने ये एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका आईआईटी 2003 का क्वेश्चन है, और इसके ऊपर मैंने डीप में एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट द गिवन मोल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में जाना है, लेफ्ट से राइट में जाना है। आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, चार स्ट्रक्चर, ओके, पहले वाले में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 2003 में आया है आईआईटी में, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, थर्ड वाला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, लास्ट वाला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब इसके अंदर से आप बताओ कौन सा वाले में इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, sp2 sp2 sp और sp, ये आपका 2003 आईआईटी का क्वेश्चन है। ओके, तो जल्दी बताना इसका आंसर, आपके सामने है बोर्ड पे, इसका आंसर बताना। ऐसे हम लोग एक दो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे रहेंगे वो भी करने वाले इस सेशन में, तो बने रहो, अलग अलग स्टेट का भी करेंगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? देखो इसका आंसर अगर आप लोग ने अब तक फाइंड आउट नहीं किया है तो 5 सेकंड का और टाइम देता हूं, बताओ इसका, 5 सेकंड। ओके, सो इसका जो आंसर रहेगा वो इस तरह से है, देखो सबसे पहले देखो मैं बना देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन हटा दिया है, बताता हूं, अगर हम लोग का सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्या सिंगल बॉन्ड, तो उस टाइम पे हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, अगर मेरा कहीं पे डबल बॉन्ड दिखा तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन होगा हम लोग का sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। तब इसके बेसिस पे आप फटाफट कंपाउंड फाइंड आउट करो, और 5 सेकंड का टाइम, आप निकाल सकते हो, सामने आपका है।
इसके हिसाब से आप खुद ही कंपाउंड बना सकते हो। चलो तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज हम लोग का सी वाला। देखो सी यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ये यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, उसके अंदर sp2 sp2 sp और sp3। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज सी वाला, क्योंकि पहला है CH2 को हम लोग का डबल बॉन्ड है, मतलब sp2। उसके बाद है डबल बॉन्ड के साथ CH, लेकिन डबल बॉन्ड अटैच है, इसके लिए क्या रहेगा हम लोग का sp2। फिर हम लोग का सिंगल बॉन्ड के साथ C, और उसके बाजू में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो sp। उसके बाजू में हम लोग का CH है लेकिन बाजू में ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए sp। तो हम लोग का सी वाला इज अ करेक्ट आंसर। ओके सो ये था हम लोग के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे 5-5 क्वेश्चन का हम लोग का सेशन रहेगा। ओके अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रहा तो मुझे सेंड कर देना, वो मैं आपको आपका जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन ऑन डिमांड सेशन में वो लूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।